आजकल है अमीर बनने का जमाना, तो आना पड़ेगा खाना खजाना। गर्मी से होने लगे हम बिस्किट की तरह फेंक। अरे इसीलिए तो लाया दारा सिंह से। अब नहीं जाएगी जेब खाली, क्योंकि आ गई है पहलवान थाली। बड़े बड़े पहलवान इसको खाने में हो गए नका। दिल्ली का बड़ा पाव खाकर हो गया दिमाग खाली, इसलिए लेके आए माँ बाबा की थाली। मुश्किल है आपका खाना, हो जाएगा आपका काम तमाम। फूड ब्लॉगर्स का टॉप जी है ये। इस प्राणी ने हर गली की समोसा चाट और कभी ना कभी गाली खा रखी है। शहर में जितने भी फूड स्टॉल्स है उस पे भाई का खाता चलता है, बाटा सिस्टम। तुम मुझे गोलगप्पे दो फ्री में, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। कस्टमर आएगा तुम्हारे पास और देखो वो कस्टमर मैं ही तो हूं। ये जंक फूड का वो दीवाना और आशिक है जिसने सलमान खान की तेरे नाम को फ्लॉप कर दिया। तो वापस से आ चुके हैं आज हम डोलमा आंटी के मोमोज ट्राई करने, और मैंने सुना है इन्होंने अपने मोमोज की टेस्ट बदला है, तो आइए टेस्ट करने चलते हैं। लेट्स गो। मोमोज का टेस्ट चेंज होने पे ये भुक्कड़ मुफ्त के मोमोज खाने आ गया। इससे अच्छा आइडिया नहीं मिला इसको कंटेंट बनाने का। और भाई टेस्ट ही तो बदला है, हनीमून की डेस्टिनेशन थोड़ी बदली है। भूख से पागल ये भेड़िया चलती ऑटो से उतर गया ताकि भाड़ा कम देना पड़े। इतना पागल तो मेरे दोस्त मेकआउट करने के बाद भी नहीं होते जितना ये मोमोज खाने से पहले हो गया। आंटी ने साथी से गलती से भीड़ में पैसे मांग लिए थे, फिर क्या। मुझे तो अभी भी पसंद नहीं आया, ठीक है। दिन में 12 बार हिलाने और हर जगह मुफ्त में ठूसने के बाद भी इसके चेहरे पे शिकन तक नहीं आती। Isn't it concerning और strange? गोयल जी नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया हैं जी। तो क्या क्या बेचते हैं आप यहाँ पे? जो आइटम लिखे हुए बोर्ड पे पढ़ लो। सिग्मा मेल स्पॉटेड। हाँ अंकल, तो इसको कुछ समझते ही नहीं है यार, मतलब। सही खेल गए बैंच। अब पूछना चाहूंगा आप टिक्की को कैंची से क्यों काटते हैं? इसकी बाइट सही कट जाती है। ये टिक्की वाले भैया पहले दर्जी थे, फिर ये बाल काटने वाले बन गए, और आज भी ये वही वाली सीजर यूज करते हैं। बट ये है भाई इसका बिगेस्ट क्लोजिंग, और ये देखिए भाई अभी दिल्ली में भी आ चुका है बिगेस्ट क्लोजो गाइस, अभी तक का सबसे बड़ा। जिसका छोटा होता है ना उसको बड़ा ही पसंद आता है, और जिसका बड़ा होता है वो छोटे से दूर रहता है। इसको खाना इतना सा था, इसने मंगाया इतना, और अगर वो गलती से स्मूफर से पैसे मांग लेते तो ये इतनी भूख में भी इतना सा ही लेता। आपको लगता ना कि मैं हर बारी झूठ बोलता हूँ? एक ही शॉट में मैंने क्वासों के 5 प्रोनंसिएशन सुन लिए, सही एक भी नहीं था। बस इससे जुगाली करवा लो, उसको क्रासों या क्वासों बोलते हैं। मैं भी किस खागड़ को समझा रहा हूँ। ओह फक। खाना है पिज्जा जो कि नहीं है आसान। इसके पीछे खड़े लोगों को बच्चों ने पिज्जा का लालच देके बुलाया इसने, फॉर श्योर। ये राक्षस धरती का मुआयना करने के बाद पाताल लोक का रास्ता भटक गया था। अब पाताल लोक में तो पिज्जा मिलता नहीं, इसलिए यहाँ पे ऐसे खा रहा है। खाने दो बच्चे को, इतना तो चलता है यार, मतलब। डालो डालो सारा का सारा डाल दो मुँह में। ये गया दूसरा गया, भगवान की खाते थे कि जस्ट खाएंगे फिर। यही नहीं अभी और सुनिए। हो जाएगा भाई, हो गया हमारा भाई ये। वो भाई साहब क्या खत्म हो रहा भाई, आज जीत के जाएंगे भाई भाई। ओ माय गॉड, तीसरा गिलास ये होती है भाई स्पीड 33 सेकंड। ओ भाई साहब भाई लास्ट। ओ भाई साहब। हिप्पोपोटामस भी सोच रहा होगा कि कौन है मेरे जैसा दिखने वाला जो जीत गया। सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगा के चैलेंज जीत लिया इसने, नाम रोशन कर दिया इंडिया का भाई ने। इतना खुश तो नीरज गोयल गोल्ड मेडल लाने पे भी नहीं हुआ। मुफ्त की लस्सी पीने की ठरक में इसने उसका कुल्लड़ तोड़ दिया। वो कुल्लड़ वाले ग्लास मुफ्त के थे ना, इसीलिए। बाटर सिस्टम ब्रो, बाटर सिस्टम, बाटर सिस्टम। 3100 के नाम पे 3500 का नुकसान करा दिया। तो ट्राई करना तो बनता ही है। अब दूध पिज्जा लेके पहुंच गया और इन्होंने भी बना डाला हमारा पिज्जा शेक। लो जी भाई तैयार है, चलिए गाइस ट्राई करते हैं कैसा होने वाला है ये, ठीक है। गई बहस पानी में। ये कहावत है, ये एक इमोशन है, एक फीलिंग है, ये एक मुहावरा है जो इसी के लिए बनी है। इसने उन गिने चुने फूड स्टॉल्स की मेंबरशिप ले रखी है जो स्टैंड आउट करते हैं, जिसमें कोई शक नहीं है, जैसे रोटी और गुलाब जामुन, मैगी और आइसक्रीम, एप्पल और सॉस, एंड चिकन और लॉलीपॉप। रात को सोने से पहले जब तक ये दूध में ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स डाल के ना पी ले तब तक इसको नींद नहीं आती। आसानी से ऑफ कोर्स, बट ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स।
आप इतने सुंदर है, बॉलीवुड में होना चाहिए, हॉलीवुड में होना चाहिए, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? भाई सिर्फ बड़ा पाव खाने आते हैं, लोगों को भूख लगती है, लोग मेरी मेहनत देखने आते हैं। ये नहीं है कि सुंदर है इसलिए सारी भीड़ लगी, हर एक लड़की सुंदर है, हर एक लड़का सुंदर है, मेहनत कर रहा है। ये बहन जो कुछ भी बोलता रहता है इसको छोड़ो, पर दीदी कितनी सफाई से झूठ बोलती है। नहीं मतलब यार, ओ माय गॉड, दीदी को ये भी पता है कि ये बैंगन भी कोई वड़ा पाव खाने नहीं आया है, और उस हिसाब से तो दीदी का पति भी सुंदर हुआ। हाँ नहीं, बट उसको खड़ा नहीं कर सकते क्योंकि वड़ा पाव नहीं बिकेगा फिर। ओके जिंदगी में मुझे लगता था मैं हूँ सबसे बड़ा बच्चों, कंपनी समझती है हमें बेवकूफ। यहाँ पे ना मेरे साथ एक स्कीम भी हो गई है, सारे स्ट्रीट फूड वालों का मुजाफिर है ये, और उनका चीयर लीडर भी पॉम पॉम खड़े पकड़ा हुआ, नहीं पॉम पॉम पकड़े खड़ा हुआ, वट एवर, चीयर लीडर तो है ना। इसका तो हेडक्वार्टर्स भी है नाला सुपारा में, बट बेसिकली इसकी बड़ी बड़ी मीटिंग्स हैं जो जितनी भी, वो फूड स्टॉल्स पे ही होती हैं। इट टेक्स प्लेस ऑन फूड स्टॉल्स, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ है। ओके एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लास्ट वीडियो पे इतना सारा प्यार बरसाने के लिए, प्यार दिखाने के लिए, प्यार टपकाने के लिए, एंड सो ऑन एंड बाय।